उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव मथाना में जहां लगभग 27 वर्ष से दबंग कोटेदार विजय बहादुर सिंह के पास कोटा है, दबंगई का ये आलम यह है कि गरीबों के राशन कार्डों को कोटेदार अपने पास ही रोके रखता है और जब मन हुआ तो महीना दो महीना में आधा राशन बांटता है और कार्डों पर पूरे साल का ही वितरण दर्ज कर देता है। मामला तब बिगड़ गया जब गाँव के ही एक युवक ने हिम्मत करके उसकी दबंगई और राशन वितरण में हो रही धांधली की शिकायत अधिकारियों से कर दी। शिकायत की जानकारी होने के बाद दबंग कोटेदार ने युवक को घर के अंदर बंद कर बड़ी बेरहमी के साथ उसके साथ मारपीट किया। हद तो तब हो गई जब मामला दर्ज होने के बाद दबाव बनाने के लिए पीड़ित और उसके परिवारजनों के खिलाफ गैंग रेप का फर्जी मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। गांव मथाना निवासी रवि सिंह पुत्र उदयवीर सिंह ने गांव के कोटेदार की मनमानी और राशन वितरण में हो रही धांधली की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी। शिकायत की जानकारी मिलने के बाद से दबंग कोटेदार रवि से रंजिश मानने लगा और कुछ दिन पहले रवि मजदूर को बुलाने उनके घर जा रहा था कि जैसे ही रवि विजय बहादुर के मकान के पास पहुंचा कि तभी विजय बहादुर ने अपने पुत्र तथा साथियों की मदद से युवक को पकड़ लिया और अपने घर के अंदर बंद कर बड़ी बेरहमी से लाठी डंडों और लोहे की रॉड से पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पीड़ित के परिजनों और 100 डायल पर पुलिस को दी और दबंगे का आलम यह भी था कि जब परिवारजनों और पुलिस ने घर के दरवाजे खुलवाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। काफी जद्दोजहद के बाद किसी तरह पुलिस ने पीड़ित को बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मुकदमा दर्ज कर विजय बहादुर और उसके पुत्र को जेल भेज दिया है। मामले में राजीनामे के लिए दबाव बनाने के लिए आरोपी विजय बहादुर ने मंदापुर पुलिस से साठगांठ के चलते शिकायतकर्ता उसके पिता सहित 12 लोगों के खिलाफ उसकी पुत्री के साथ गैंग रेप करने के फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि रवि सिंह घायल था और मुकदमे में लिखाया गया है कि अन्य लोग बुजुर्ग हैं और एक व्यक्ति तो फालिस का मरीज है। दबंग कोटेदार की इस हरकत से ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है तो जो कभी भी ज्वालामुखी की तरफ फट सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस और उच्च अधिकारियों से शिकायतकर्ता और उसके परिवार को न्याय मिल पाता है अथवा नहीं। क्षेत्र मुकदमा साहब लिखो हमारे ऊपर मुद्दा मुकदमा लिखा हुआ आप पे फालिस का अटैक भी है। फालिस तो अटैक हो गया। आपके हाथ पैर भी नहीं चलते फिर भी आपके खिलाफ मुकदमा लिख दिया। पुलिस हम लोगों को परेशान कर रही है। हमारे घर पे आते हैं, गंदी गालियां देती है, परेशान करती है। भाई हमारा खटिए पे पड़ा है, हाथ भी टूटा है, पैर भी फ्रैक्चर है जी, उठ नहीं चल सकता है। अब कोई घर पे भी नहीं है, बताओ। पुलिस परेशान करती है, केस उल्टा लिया गया है हमारे लोगों को। क्षेत्र के मामले में आप लोगों के यहाँ गिरफ्तारी के लिए आते हैं? हाँ आते हैं, परेशान करते हैं, गंदी गाली भी देते हैं। तो इसकी आपने पुलिस से शिकायत की, एसपी वगैरह से नहीं? पुलिस से शिकायत की, एसपी से भी शिकायत की, जहाँ तक हम लोगों का कहना था, जैसे पुलिस मदनापुर के दरोगा जो भी था, हर लोगों से शिकायत की, मगर वो हमारे पक्ष में कुछ बोल ही नहीं रहे। वो सब दमंग कोटेदार के साथ है। अच्छा, मतलब उनको मोटी रकम पहुँच गई? तो मोटी रकम पहुँच गई, वो भी हमारे सबके सामने गए। हम गए थे, हमने कहा भी कि आप ये गलत कर रहे, उन्होंने तब भी नहीं सुना, कुछ किया भी नहीं। तो आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो आपके ऊपर जो झूठा मुकदमा लिखा गया? क्या कहना चाहते हैं योगी सरकार से आप? हम योगी सरकार से ये कहना चाहते हैं, हॉस्पिटल से जब घर वापस आया तो कोटेदार ने अपनी लड़की के साथ मिलकर हम लोगों के 12 लोगों के क्षेत्र का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। इसलिए दर्ज कराया कि हम लोग उनसे राजीनामा कर लें। और मदनापुर थाने की पुलिस भी कुछ नहीं सुनती और उल्टा हम लोगों को दंडित करते है कि हाजिर हो जाओ, नहीं तो सब लोगों को जल्द से जल्द पकड़ के अंदर कर देंगे। और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है मदनापुर थाने में। नहीं, मुझे मदनापुर थाने पे बिल्कुल एतराज नहीं है कि मुझे यहाँ से न्याय मिलेगा। मुझे यहाँ न्याय मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। क्या कहना चाहते हैं योगी सरकार से? योगी सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जो स्पष्ट है उसको सही किया जाए, झूठा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से दिलदार खान की रिपोर्ट।